दाजे शौर हुए ओदे ना दी कोई खरीद करके वट पुणिया जे राजी गफूर हो। अभी रात के ऑलमोस्ट कोने 12 बज चुके हैं और मैं ऑफिस से अभी फारिग हुआ हूँ। पहले इरादा था कि अभी मुल्तान के लिए निकलूँगा मैं डेमो से, बट चाचू वगैरह जो है वो उन्होंने मेरी वजह से लाहौर स्टे किया है और अब हम कल सुबह इकट्ठे निकलेंगे मुल्तान के लिए। माया तेरे देखण। रात 1:15 के करीब मैं सोया हूँ और इस वक्त ऑलमोस्ट 9:45 बज रहा है। नमाज़ पढ़ के भी फारिग हुआ, अभी बस सामान रखेंगे और मुल्तान के लिए निकलेंगे और सारी नींद जो है वो रास्ते में पूरी करेंगे, अगर नाश्ता भी करें। अभी नाश्ता किया हमने यहाँ लाहौर से और अब हम डायरेक्ट M3 पे चढ़ेंगे और अब मुल्तान आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हम जा रहे हैं जी मजारों के शहर मुल्तान। किस रास्ते से जाएंगे हम? अभी हम हैं जी मून मार्केट गुलशन रावी और यहाँ से हम अब मूव कर रहे हैं बाबू साबू और वहाँ से हम M3 को ज्वाइन करेंगे और M3 फिर हमें सीधा पहुँचाएगा मुल्तान। और कितनी देर में पहुंच जाएंगे मुल्तान? हम इंशाल्लाह ताला 3 घंटे और 15 मिनट में। रास्ते में पानी की बोतल मिलेगी, बस सिर्फ पानी की बोतल जी। और COVID-19 सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसने खाना मना किया हुआ है। ये सिविल एविएशन अथॉरिटी आपके साथ बैठी हुई है? हाँ जी हाँ जी। बाबा शिरा के मुताम पर ठहरे हैं और मुल्तान पहुंचने के लिए 1.5 घंटे की मुसाफत रह गई है और अली भाई सो रहे हैं, आए उनको जगाते हैं। अली भाई उठ जाओ यार, क्या मुताम पे रुक गए हैं, उठो चलो आ जाओ। हैं बाबा शिरा के मुताम पर रुके हैं, क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हैं? नहीं, शायद चाय पीने लगे हैं। चलो उठे आ जाए। आगे शाम को इंटरचेंज भी है कोई आगे? लें जी, असूली तौर पे तो हमने मुल्तान पहुंचना था यहाँ पे आके और बाकी सारी खलकत को उतारना था और फिर निकल जाना था आगे मुल्तान एक्सप्लोर करने के लिए। पर फिर जब हम यहाँ पहुंचे तो जो सारे रिश्तेदार वगैरह थे उनसे मिलते मिलाते और ये पीछे जो एक ये मखलूक हमारे साथ बैठी हुई है शेख मोहम्मद नुमान साहब, इनका इंतज़ार करते जो है हमें थोड़ी सी जो है देर हो गई। पर इस वक्त हम क्या टाइम हो रहा है अभी जो है वो हाँ, 3:08 है और इस वक्त हम निकले हैं, ये सादिकाबाद मिल्स का इलाका है और यहाँ से हम अब मुल्तान जा रहे हैं। मुल्तान में जो बड़ा कुछ जो है ना एक्सटेंसिव किस्म का जो है कवरेज हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि आज रात की एक शादी है जिसकी वजह से हम यहाँ पे मुल्तान में आए हैं, तो थोड़ी सी हल्की फुल्की जो जगह हम कवर कर सकेंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे। मुल्तान का जो है वो बड़ा एक सडन किस्म का जो है हमारा प्लान बना था, कोई पहले से अगर प्लान होता यहाँ पे शूट वगैरह करने का तो हम परमिशन लेके फिर आते यहाँ पे, बट कोई परमिशन नहीं ली। आज संडे है, मैंने
डीसी साहब के फोकल पर्सन को कॉल किया, बट उन्होंने संडे की वजह से कॉल पिक नहीं की, ऑफिस बंद है। और यहाँ पे एक डीएसपी हैं, डीएसपी जमानुल्ला साहब, मैंने उन्हें कॉल की, उन्होंने भी कॉल पिक नहीं की, उनका भी ऑफिस का नंबर था मेरे पास। तो परमिशन तो आज जो है वो हमें नहीं मिल सकती। तो जैसे ही हम ये किले कासिम के अंदर एंटर हुए हैं, तो उन्होंने कैमरा शैमरे पे पाबंदी लगा दी है कि आप कैमरे से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो ड्रोन तो दूसरी जो है ना दूर की बात है। तो इस वक्त हम दमदमा हैं, और दमदमा जो है वो मुल्तान की हाईएस्ट पीक है, और यहाँ से अब कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई जो है तरीका हम निकालें और आपको थोड़ा सा कोई फुटेज जो है वो दिखा सकें। घंटाघर पे इस वक्त हम मौजूद हैं, और इरादा मेरा था कि यहाँ पे हम गोल्डन आवर के टाइम आए ताकि लाइट जो है ना वो बड़ी बैलेंस मिले। धूप बहुत तेज़ है और पिक्चर जो है वो कोई हाथ आ नहीं रही, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा कोई अच्छी पिक्चर हम इसकी ले सकें। यहाँ पे पीछे ये घंटाघर है, बात यह है दो तरह के मुल्तान हैं, एक रोड वाला मुल्तान है और एक पुल वाला मुल्तान है। आप बता दें आपने किस पे जाना है? किस पे जाना है बताओ अभी? रोड वाले पे। भाई जान अकाउंट हमारा लॉग आउट हो गया है और हम जलील व ख्वार हो रहे हैं शदीद। जलील व ख्वार नहीं हो गए, दोबारा रिटर्न हो गया। लापरवाह लोग हैं पाकिस्तान के, गर्मी शदीद है, कोई प्लानिंग नहीं है, ये नहीं पता जाना किधर है। जिसका जो दिल कर रहा है वो गूगल मैप पे लिखी जा रहा है, और अगर वो करीब है तो फिर वहाँ पे पहुँच रहे हैं। कोई परमिशन नहीं मिल रही कहीं पे भी जाना वो फुटेज कवर करने की। ठीक है, पर मजा आ रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल जो है मुल्तान का जितना जो है हमने देखना था वो देख चुके हैं, या देखा तो खैर कुछ भी नहीं है, सड़कें ही देखी हैं। और नुमान ने जो है ना वो दमदमा में एंजॉय किया है। तो इसके बाद अभी जो है टाइम हो गया ऑलमोस्ट वापस जाने का, क्योंकि अभी जाके नहा के और वलीमे के लिए रेडी भी होना, अभी वापस जा रहे हैं। और शाम को आपको वलीमे में साथ लेके जाए, आपका होस्ट ये बंदा नहीं सही, ना कारों में बंदा नहीं सही, लाया ही नहीं कुछ अभी तक, सूखे होंठ। देखें रमजान आने वाला है और रमजान की तैयारी रमजान से पहले करनी चाहिए, वो तीन दिन पहले रोजे रख लेंगे यार। तो इसीलिए आज से हमारा जो है वो रमजान की तैयारी हमारी शुरू हो गई है। आज हमने ना अभी तक फिलहाल बाहर से कुछ खाया ना पिया, पी तो खैर अभी लेंगे हम, क्योंकि ये पीछे जो बंदा बैठा हुआ है ये इसके बड़े बड़े शौक हैं पीने पिलाने के, तो इंशाल्लाह भी हम कुछ पीते हैं। अभी हमने वलीमा अटेंड किया और इसके बाद आज के पूरे हेक्टिक रूटीन के बाद अभी ट्रेवल करना है वापसी के लिए, और मुझे ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि मैं अभी वापस अखाड़ा जाऊँगा, खड़ा के बाद फिर कल सुबह जो है वो लाहौर के लिए निकलूंगा। ली भाई इधर क्यों बैठे हैं? यार हम जा रहे हैं वापस उखाड़ा, और अभी कुछ नींद आ गई थी तो वो
वो वाली गाड़ी चला रहे हैं, तो अभी उन्होंने चाय पी है वहाँ पे और अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं टिया चंदू पहुँच। मेरी सीट नंबर 8 मोहम्मद अली रॉ।